दोस्तों आप सबका स्वागत है SBI YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक के रिलेटेड, यहाँ पे आपको कल क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं और यहाँ पे कल का ट्रेंड जो है मार्केट का वो किस तरफ देखने को मिलेगा, पूरे यहाँ पे एनालिसिस के साथ देखते हैं। उससे पहले दोस्तों आज जो मार्केट में हमें कल जो वीडियो में लेवल दिए थे वो हमारे लेवल यहाँ पर कैसे रहे वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन शॉट है, कल हमने बताया था अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग होती है तो उसमें आपके लेवल्स यहाँ पे बताए थे आपको चारों लेवल, और जिसमें यहाँ पे दो थे रेजिस्टेंस और दो सपोर्ट। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो फर्स्ट रेजिस्टेंस था 35,400 का एक रेजिस्टेंस था दोस्तों, इसको मार्केट ने आज ब्रेक किया और काफ़ी अच्छा इसके बाद रिटर्न दिया। उसके बाद 35,500 का ये रेंज बताया था हमने, तो मार्केट ने जब इससे भी ब्रेक किया तो उसके बाद भी मार्केट यहाँ पे 35,700 तक गई और काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिले। तो यहाँ पे काफ़ी करेक्ट लेवल्स जो है हमारे आज के भी निकल के आए और इसी के चलते हम यहाँ पे आज भी लेवल्स देखेंगे। और दोस्तों साथ में बता दें, पहले टेलीग्राम पे भी हमने यहाँ पे अपने पेड जो प्राइवेट चैनल है उसमें भी यहाँ पे कॉल दी थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। बाई लार्ज आप आज का प्रॉफिट यहाँ पे 8 जुलाई की जो एक्सपायरी है आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज की ये कॉल है और इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमारे यूज़र्स को यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रीन शॉट हैं और यहाँ पे जो है ये कॉल हमने दी थी और यहाँ पर हम लेवल्स भी प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये 11 बजे के आसपास जो कॉल दी थी 310 और 15 के बीच में यहाँ पर बाय करवाया था और यहाँ पर एग्ज़िट जो है 370 के आसपास एग्ज़िट भी करवाया था। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमारे प्राइवेट जो चैनल में यूज़र्स हैं उनको देखने को यहाँ पे मिला और अभी भी यहाँ पे 81% की एक्यूरेसी हमारी कॉल्स की चल रही है। तो दोस्तों अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा प्राइवेट प्राइम मेंबरशिप ग्रुप तो सिर्फ 499 रुपीज़ में आप लाइफ टाइम के लिए इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की अपनी पर्सनल कॉल जो है शेयर करते रहते हैं, तो आपको यहाँ पे मैसेज करना होगा, हमें इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं या फिर हमें टेलीग्राम पे SBI प्राइम टीम को मैसेज कर सकते हैं। ये तीनों आपको एड्रेस मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में, यहाँ पर आपको डिटेल दी जाएगी। पेमेंट डन होने के बाद आपको प्राइवेट चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट पे और यहाँ पे हम पहले देखेंगे कल आपको मार्केट का ट्रेंड किस तरफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों आप जो है ट्रेंड पहले से देख लिया करें। जैसे कि आज मार्केट का अप ट्रेंड था, पहले से हमें पता था, जो कि कल की वीडियो अगर आप उठा के देखें उसमें बता भी दिया था कि अप ट्रेंड बनेगा और कुछ लोग इस सिचुएशन में पी ले लेते हैं और उन्हें काफ़ी बड़ा लॉस यहाँ पर हो जाता है, तो पहले आप ट्रेंड ज़रूर देख लिया करें। तो हम यहाँ पर पहले इंडिकेटर्स की हेल्प से ओवरऑल डेली बेसिस का ट्रेंड देख लेते हैं। तो उसमें MACD इंडिकेटर्स लेंगे और साथ में रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ले लेंगे और आप भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी, कहीं किसी भी स्टॉक्स में भी यूज़ कर सकते हैं और डेली बेसिस का यहाँ से पैरामीटर हमने सेट करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ सिग्नल डेली बेसिस में MACD की तरफ से अप ट्रेंड के बने हुए हैं। यहाँ पर हम इसे जूम आउट करके देख लेते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं अप की तरफ काफ़ी स्ट्रांग जो है सीजनल बन चुका है, यानी ट्रेंड लाइन जो है सीजनल लाइन उसने आप की तरफ कट कर दिया है। और RSI में भी देख सकते हैं आज भी यहाँ पे अप ट्रेंड था और आगे के भी यहाँ पे कुछ दिनों के लगातार अप ट्रेंड के सीजनल मिल रहे हैं, यानी आपको अप ट्रेंड बनते जो है कभी भी दिख सकता है, रिवर्सल अप की तरफ कभी भी आ सकता है, डाउन बहुत कम देखने को मिलेगा, ये ट्रेंड यहाँ पर बता रहा है। तो आप इसे ज़रूर देख लिया करें कभी भी किसी भी चीज़ में ट्रेड करने से पहले। तो जो यहाँ पे हमने दोस्तों ट्रेंड देखा है वो यहाँ पे मार्केट का जो कल का ट्रेंड भी रहेगा वो अप ट्रेंड रहने के ज़्यादा चांसेस हैं, आपको डिप देखने को मिल सकता है लेकिन रिवर्सल जो है आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब जो है हम यहाँ पर इसके पुराने रेजिस्टेंस और सपोर्ट के अकॉर्डिंग लेवल्स भी निकालेंगे। लेवल्स जो हम निकालेंगे वो अकॉर्डिंग टू ओपनिंग निकालेंगे, या फ्लैट ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग, तो उसी के बेसिस पे आप भी यहाँ पे ट्रेड किया करें। आप देख लें ओपनिंग कैसी हुई है तो उन्हीं लेवल्स को फॉलो करें। जैसे आज गैप अप ओपनिंग हुई तो हमारे यहाँ पे गैप अप के जो लेवल थे रेजिस्टेंस बहुत काम आए। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे अगर मार्केट में कल यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है तो उसमें यहाँ पर आपके क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस रह सकते हैं, पूरे यहाँ पर डिटेल के साथ देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके जो फ्लैट ओपनिंग में रेजिस्टेंस रहने वाला है, इसमें आपको पहला रेजिस्टेंस दोस्तों यहाँ पर दिख सकता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 600 की रेंज है, जो 600 से 610 की रेंज आप ले सकते हैं, ये आपका यहाँ पे R1 कल फ्लैट ओपनिंग में आपको देखने को मिल सकता है। और दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो मार्केट का यहाँ पे सेकंड रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है वो है 680 से 690 की रेंज, फ्लैट ओपनिंग में आपका R2 देखने को मिल सकता है अगर मार्केट यहाँ से कल फ्लैट ओपनिंग होती है। ये दोनों रेजिस्टेंस रहने वाले हैं फ्लैट ओपनिंग के लिए और यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग के लिए हम सपोर्ट भी देख लेते हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों 410 से लेके 420 की जो रेंज है, ये यहाँ पे आपको मार्केट का एक फर्स्ट सपोर्ट देखने को, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट देखने को मिल सकता है। सॉरी सपोर्ट यहाँ पे लिखते हैं, सपोर्ट यहाँ पे आपका फर्स्ट रहने वाला है 35,410 से 420 की रेंज। तो यहाँ पे ये तीनों लेवल जो हैं ये कल आपको यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग में काम आ सकते हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे यहाँ पे अगर मार्केट जो है कल गैप अप ओपन करती है तो उसमें आपके लेवल्स क्या रहेंगे, वो भी हम यहाँ पे डिटेल के साथ देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कल अगर मार्केट जो है गैप अप ओपन करती है तो उसमें यहाँ पे आपका टॉप का रेजिस्टेंस जो है पुराने रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 810 की रेंज जो है, 800 से 810 की जो रेंज है ये आपका एक टॉप का रेजिस्टेंस रहेगा, यानी कि हम इसे सेकंड रेजिस्टेंस का नाम यहाँ पे दे सकते हैं। उससे पहले आपका क्या रेजिस्टेंस रहेगा वो भी हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेंज आपकी रहने वाली है, यहाँ पर भी आज मार्केट ने एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, तो ये आपका कल सेकंड रेजिस्टेंस गैप अप में आपको देखने को मिल सकता है। उससे पहले यहाँ पे 730 से 740 की जो रेंज है ये आपका कल मार्केट में रेजिस्टेंस फर्स्ट आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, और सेकंड जो है रेजिस्टेंस सेकंड 35,800 की जो रेंज है ये आपको सेकंड रेजिस्टेंस कल गैप अप ओपनिंग में काम आ सकता है। और इसमें जो आपके सपोर्ट रहेंगे गैप अप ओपनिंग में वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसमें आपका ये जो लेवल है 670 से 80 की जो रेंज है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको काम आने वाला है एज ए सपोर्ट कल यहाँ पे गैप अप ओपनिंग में, सपोर्ट 1 आपको देखने को ये मिल सकता है। और इसमें अगर सपोर्ट सेकंड हम देखें तो वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 580 की जो रेंज है ये आपको कल मार्केट में सेकंड सपोर्ट देखने को मिल सकता है अगर गैप अप ओपनिंग यहाँ से देखने को मिली कल। तो दोस्तों ये जो चारों लेवल हैं ये आपको कल गैप अप में काम आ सकते हैं, आप इनका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें, ट्रेड के समय आपको काम आ सकते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करेंगे अगर मार्केट यहाँ से कल गैप डाउन ओपनिंग करता है तो उसमें आपके यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रह सकते हैं, वो भी डिटेल के साथ यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो गैप डाउन ओपनिंग अगर देखने को मिली आपको कल तो उसमें यहाँ पे इसके पुराने हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकाले हैं, उसमें यहाँ पे जो 400 की रेंज है ये इसका फर्स्ट सपोर्ट रहने वाला है गैप डाउन ओपनिंग में। और अगर ये भी ब्रेक हो जाता है कल मार्केट का सुबह ही तो उसमें उसके बाद आपको जो है यहाँ पे 300 की जो रेंज है 35,300 की रेंज ये आपका कल मार्केट में यहाँ पे सेकंड सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो इसके बाद काफ़ी बड़े टारगेट आप देख सकते हैं नीचे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमने निकाले हैं दो ये कल के मार्केट के यहाँ पर आपको सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं अगर यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली उसमें ये सपोर्ट काम आ सकते हैं। तो जो रेजिस्टेंस हैं उसमें आज यहाँ पर मार्केट जब क्लोज हुई है अगर यहाँ से नीचे की तरफ गैप डाउन हो गया तो यहाँ पर आपका एक जो है आपको 510 से 520 की रेंज है जो ये आपको S1 देखने को मिल सकता है कल अगर यहाँ से नीचे की तरफ गैप डाउन ओपनिंग होती है तो S1 आपका ये रहेगा। और स्पोर्ट 2 बात करें तो स्पोर्ट 2 आपको जो देखने को मिल सकता है वो है यहाँ पर 600 का जो रेंज है ये आपको कल यहाँ पे मार्केट का सारे ये दोनों रेजिस्टेंस हैं ये आपको रेजिस्टेंस काम आ सकते हैं, ये R2 देखने को मिल सकता है और ये R1 देखने को मिल सकता है अगर कल यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग होती है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो चारों हमने लेवल निकाले हैं ये कल आपको गैप डाउन ओपनिंग में काम आ सकते हैं, आप इनका भी स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था, बाकी टेलीग्राम आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, यहाँ पे हमारी पर्सनल कॉल शेयर होती हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता रहता है। SBI प्राइम मेंबरशिप पेड ग्रुप है तो ज्वाइन करना चाहते हैं अगर आप तो आपको डिटेल बता दी है, आप हमें इन तीनों एड्रेस पर आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, आप टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर आपको एड्रेस दिया जाएगा पूरी डिटेल और पेमेंट डन होने के बाद आपको प्राइवेट चैनल का लिंक मिल जाएगा 499 में आप लाइफ टाइम के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, गुड बाय।